नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में। लहसुन की फसल में बारिश के बाद आपको क्या स्प्रे करना चाहिए जिससे कि लहसुन में आपको अच्छा सुधार देखने को मिले और तेज़ी से सुधार देखने को मिले। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, लहसुन की फसल में बारिश के बाद बहुत ही ज़्यादा बीमारी देखी जा रही है। पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और चाल भी अच्छी नहीं है। तो इसी स्थिति में आपको क्या फंगीसाइड स्प्रे करना चाहिए और कौन सा टॉनिक लेना चाहिए, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अगर किसान साथियों फंगीसाइड की बात की जाए तो आपको मेटालेक्सिल 4% और मेनकोजेब 64% इस्तेमाल करना चाहिए, जो टाटा मास्टर क्रिलेक्सिल और रेडोमिल में आता है। मेटालेक्सिल मेनकोजेब आप कोई भी अच्छी कंपनी का ले लें, और इसके साथ ये तो फंगीसाइड की बात हो गई, और उसके साथ आपको जिंक लेना चाहिए। जिंक आप लिक्विड और पाउडर दोनों में से किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, और जिंक के साथ साथ ही आपको बारिश के बाद सीवीड का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। सीवीड जो समुद्री शैवाल होते हैं वो आप बायोविटा भी ले सकते हैं, और बायोविटा ना भी मिले तो आप किसी अन्य अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। सीवीड आपको मार्केट में बहुत ही अच्छी कंपनियों का मिल जाएगा अगर आपको बायोविटा ना भी मिले तो। और इसके अलावा आपको चिपको का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। चिपको जिसको स्प्रेडर भी बोला जाता है, स्टिकर बोला जाता है, उसका इस्तेमाल भी आपको ज़रूर करना चाहिए। इसको पिनेट्रेटर भी बोला जाता है। तो आपको चिपको का इस्तेमाल प्याज लहसुन जैसी फसलों में करना ही चाहिए, क्योंकि इनकी पत्तियों पर दवा अच्छे से फैल नहीं पाती है और इनसे टकरा कर बूंदों के रूप में नीचे गिर जाती है। तो आपको चिपको का इस्तेमाल ज़रूर करना है किसान साथियों। तो किसान साथियों मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि फंगीसाइड आपको लेना है मेटालेक्सिल मेनकोजेब, जिसके साथ आपको जिंक लिक्विड पाउडर जैसा भी मिले वो ले लेना है, और सीवीड आपको ज़रूर लेना है। वो आप बायोविटा भी ले सकते हैं, किसी अन्य कंपनी का सीवीड मिले तो भी ले सकते हैं, बस कंपनी अच्छी होनी चाहिए वो देख कर लेने। और चिपको का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है, जिसको स्प्रेडर पिनेट्रेटर भी बोला जाता है। तो किसान साथियों ये मैंने बताया, ये स्प्रे करने के बाद आपकी फसल में बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, तेज़ी से सुधार देखने को मिलेगा और एकदम हरी लहसुन हो जाएगी। किसान साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।